का और अगले चार स्टॉक में सेनको गोल्ड, इसके रिजल्ट आए हैं, 1400 करोड़ का रेवेन्यू और 52 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, मार्जिन में सिग्निफिकेंट जंप है, 2% करीब मार्जिन बढ़ के आया है। जिंदल स्टेनलेस में जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है उसने इनको अप्रूवल दे दिया है कि ये जो स्टेनलेस स्टील की शीट है ये सप्लाई करेंगे उसको और हिसार प्लांट से, और बहुत ज़्यादा टेस्ट पास करने के बाद इनको ये अप्रूवल मिला है, तो अच्छी खबर इनके लिए। GR इंफ्रा, इनको एक करीब 53 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ट्रांसमिशन स्कीम शुरू करेंगे कर्नाटक में एक REC पावर ट्रांसमिशन की ओर से। और 10वां स्टॉक है शोभा रियल्टी, इनको इनके लोग हैं, इनके ऊपर HSBC की एक रिपोर्ट आई, 2000 के टारगेट के साथ बाई कॉल है, वो कह रहे हैं कि इनकी जो Q1 की डिलीवरी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुकिंग की रही है और कैश फ्लो काफ़ी बढ़िया आ रहा है, और जो नए लॉन्चेज इन्होंने किए हैं, रिपोर्ट किए हैं इन्होंने, उसमें मार्जिन अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को इनको मिला है, और आगे आने वाले 3 क्वार्टर में भी बहुत बड़ी बड़ी लॉन्चेज होने वाली है, तो ये सब मिला जुला के उनको लगता है कि अच्छा कर प्रदर्शन करेगा, तो 2000 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की सलाह है। ओके, अगले स्टॉक सब लाल है, कैमलिन फाइन साइंसेस, आए 6% गिरी, इबीटा 54% गिरा, मार्जिन्स आधे हो गए, 9.2 वाले 4.5% पे पहुंच गए और घाटा हो गया कंपनी को 35 करोड़ का, नंबर्स खराब है, लाल RCFP के लग रहे हैं, आए साल दर साल 8% बढ़ी पर इबीटा 11% गया, मार्जिन्स 3.2 वाले रिड्यूस होके 2.6 पे रह गए और मुनाफा 68 करोड़ से रिड्यूस होके अब केवल 10 करोड़ रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 70% उससे ज्यादा हो जाएगा, 80-85% गिर गया। कैंपस एक्टिवेयर लाल रखा है, आए 4% गिरी, अभी कुछ दिन पहले हम लोग कंपटीशन और सब इशू बात कर रहे थे, आए 4% गिरी, इबीटा 22% गिरा, मार्जिन 18.7 वाले 15% के करीब पहुंच गए और मुनाफा 20% ठंडा पड़ गया। एमी ऑर्गेनिक्स को लाल रख दिया, आय 15% बढ़ी पर इबीटा 13% गिरा, 22% के मार्जिन 16.5 के करीब पहुंच गए और मुनाफा 34% डिक्लाइन कर गया। सारे नंबर्स कहीं ना कहीं कमजोर हैं, इसीलिए सब लाल। 10-10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप।